नमस्कार, इंडिया टू भारत का चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का अभिवादन। आज का हमारा एपिसोड होने वाला है मंडी के प्रसिद्ध और जायकेदार व्यंजनों का, जो कई सालों से मंडी के लोगों की जुबां पर राज करते हैं। इस समय मैं मंडी बस स्टैंड के बाहर खड़ा हूँ और मंडी बस स्टैंड से लगभग 50 मीटर की दूरी पर शर्मा ढाबा है, जहाँ की मंडियाली दाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। पूरे मंडी में सिर्फ शर्मा ढाबा पर ही मंडियाली दाम का आयोजन किया जाता है। तो आइए चलकर मंडियाली दाम में देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या बनता है और क्या क्या मिलता है। इस समय हमारे साथ शर्मा ढाबा के ओनर कृष्ण लाल जी बैठे हुए हैं, जो हमें इस मंडियाली दाम के बारे में सारी विशेषताएं बताएंगे। अच्छा, आपको कितना समय हो गया इसको खोले हुए? इस लोगों का अंदर हो गया आधा साल हो गया। अच्छा, और मंडियाली दाम जैसे हिमाचल दाम से मतलब जैसे होती है चंबियाली दाम भी है, कांगड़ा की दाम भी है, तो उससे कैसे अलग है ये वाली दाम? क्योंकि इसके मंडी का यहाँ का जो ट्रेडिशनल है, ये मंडी का जो स्पेशल ही है। अच्छा, जो खेती बड़ी बनती है या भाजी बनती है रंग की दाल की। अच्छा, और इसमें पालक से क्या होता है कि क्या खड़े मसाले डाले जाते हैं, पालक और दही लगता है। अच्छा, बाकी प्याज वगैरह कुछ नहीं। तो हम पहले सेपू बड़ी से इसका टेस्ट करते हैं कि कैसा है। पालक और दही का फ्लेवर इसमें बड़ा निकल निखर के आ रहा है। तो इसको पहले इसको बॉयल कीजिए कि फ्राई कीजिए? जैसे पूरी को इसको तो पहले दाल भूनने पड़ती है। ठीक है, दाल भूनने के बाद इसको जो इसको छिलका उतारना पड़ेगा। अच्छा, छिलका उतारने के बाद इसको जो है जब बिल्कुल साफ हो जाएगी है, फिर इसमें मोटी इलायची जो खड़े मसाले वो पीस के इसमें डाले जाते हैं। ठीक है, गोला बना के जो है उसको पानी में बॉयल करते हैं। पानी में बॉयल करोगे, उसके बाद जो जब पक जाएगा, पकने के बाद जो इसकी फ्राई फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद जो है पालक वही डलेगा इसमें खड़े मसाले और दही डलेगा। ये है जी आपका झोल। झोल ये किस चीज़ से तैयार होता है? लस्सी का बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खट्टा है? खट्टा कद्दू का? कद्दू का खट्टा। ओके ओके, इसमें छोरे डलते हैं। अच्छा, बाकी खड़े मसाले डलते हैं। ठीक है, बाकी ये चने हैं। चने चने भी वैसे ही बनेंगे इसमें खड़े मसाले से। ये दाल? बाकी ये दाल है। और ये क्या चीज़ है? ये मीठा बनाने का मीठा। बनाने का मीठा मतलब के? ये भी उड़द की दाल का बनता है। अच्छा, इसको उड़द की दाल को फ्राई करके? उड़द की दाल को पहले भूनेंगे इसको। अच्छा, भूनने के बाद झारने में निकालेंगे। ठीक है ठीक है, फ्राई करेंगे फिर उसके बाद इसमें मीठे बनाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा कद्दू लेता हूँ। मैंने यहाँ पर बताया ये अलग तरीके से। ठीक है जी, कद्दू में इन्होंने छुआरा डाला वो इस पूरी कद्दू की सब्जी को बिल्कुल ही अलग टेस्ट दे रहे हैं। ये झोल है, दही को ये पानी कर दे। ये झोल अगर एक तरह से कहा जाए तो ऐसे पंजाब में कड़ी होती है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये झोल थोड़ा सा ज्यादा पतले की तरफ है। जहाँ के चने हैं, चने का साइज है वो काफी मोटा है। खा के देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। अच्छा, मैं खाते खाते जो एक बात मैं नोटिस कर रहा था कि जो खाना परोसा गया है वो
वो कांसे के दाल में परोसा था, क्योंकि अपने आप में आज के जमाने में कांसे के दाल बहुत लुप्त होते जा रहे हैं, मिलना ही बड़ा दुर्लभ सा हो गया। सेकू बड़ी, कद्दू, मछुआरा, चने, तीनों को मिक्स करके खा के देखता हूँ कि कैसा देखता है। मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छी ये वाली चीज़ लगी, क्योंकि जो छुआरा एक मीठा होता है और उसके ऊपर जो कद्दू का खट्टा सा लग गया हुआ है वो बहुत शानदार है। दाल की प्रेपरेशन है काफ़ी सिंपल है, घर जैसी दाल होती है, पांच तरह की दाल है, बिल्कुल घर जैसी, कोई इसमें ज़्यादा तीखे मसाले नहीं डाले गए और काफ़ी देर तक लगता है इसको पकाया गया। हम एंड में वो यहाँ का सबसे विशेष बदाना, पंजाब में इसे बूंदी भी कहते हैं, लेकिन इसमें बदाने में मीठे का जो साथ में पानी लगाया हुआ है वो इसकी खास विशेषता है। मंडियाली दाम का तो सबसे खूबसूरत है मेरे को अभी यही वाला मिला बताना, चावल उस बनाने का जो रस। मंडी में आकर कांसे की थाल में मंडियाली दाम का स्वाद और खासकर मंडियाली दाम में विशेष सेपू वड़ी, शवारे वाला खट्टा मीठा कद्दू और बदाने का स्वाद हमेशा के लिए यादगार बन गया। चलिए अब चलते हैं कुल्लू मनाली मंडी क्षेत्र में मिलने वाले बेहद ही खास व्यंजन सिड्डू का स्वाद लेने, जो सिर्फ इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अंदर हम उड़द की दाल डालते हैं मसाले डाल के, और जो भी कुछ और मसाले भी, ताकि लोगों को चटपटा लगे, खाने में मजा आए। तो ये हमारा एक सिड्डू और मोमो बनाते हैं, दो आइटम बनाते हैं हम, साथ में इसके सूप भी देते हैं। दुकान हमारी जो है 15 सालों से इसी जगह व्यवस्थित है, जो आगे हमारा छोटा फ्रंट छोटा है, जरा चलते फिरते कई बार लोगों को पता नहीं चलता है, फिर भी जिनको पता है वो हमारे पास आते रहते हैं। जैसे सिड्डू भी है, ये तीन तरह के बनते हैं, जो उड़द की दाल का है हमारे पास उड़द की दाल का बनता है, जैसे पोस्त का बनता है और अखरोट का बनता है, जो वो भी टेस्टी होता है। पर जैसे हमारे पास उड़द का उड़द दाल का बनता है, जैसे सिड्डू, सिड्डू मंडी में काफ़ी फेमस हो चुका है, जिसमें फास्ट फूड से जाना जाता है। आप वैसे कई तरह के लोग घर में बनाते थे, पोस्त भी बनाते थे और अखरोट के भी बनाते थे, तो वो अपना अपना स्थिति है। अखरोट और पोस्त का जो महंगा पड़ता है, जो गाय की रेंज में नहीं पड़ता है, इसलिए हम उड़द की दाल बनाते हैं, जो सब की रेंज में आता है सब खाते हैं उसको। तो अभी हम आपको सिड्डू का जायका बताते हैं, जो यहाँ का सबसे स्टेपल फूड और लोकल फूड और बड़ी ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। ये इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं लेयर है, जो ये यहाँ का एक फाइन आटा मिलता है ये, और इसके अंदर अगर आप देखें अभी तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बड़ी ठीक ठाक अच्छी फीलिंग की हुई है। और यहाँ पर जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पर जो सिड्डू मिलता है मंडी में वो उड़द दाल की फीलिंग का मिलता है, वैसे तो अखरोट का भी मिलता है और पोस्ट का भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर उड़द दाल का मिलता है। तो अभी हम आपको इसका टेस्ट करके बताते हैं। ये बड़ा जो इसका आटा है बड़ा फ्लफी हो चुका है, ये स्टीम करके बनाया जाता है, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एक तो न्यूट्रिशनल आइटम बन जाती है एक स्टीम करके, और इसके अंदर की जो फिलिंग है वो भी प्रोटीन है किस्म का, कि दाल डाली गई है, तो हेल्थ वाइज भी ये एक अच्छा जायका है। शानदार जो इसमें दाल और खड़े मसालों का जो मिश्रण है वो इतना इस पूरी आइटम को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और अंतर में बना रहा है। एक सिंपल सा फॉर्म है, बाहर जो लेयर है वो एक सुपरफाइन आटे की है, अंदर जो फिलिंग की गई है वो उड़द दाल की है, और कुछ एक खड़े मसाले डाले गए हैं
और हल्की सी इसको चटपटा बनाने के लिए लाल मिर्च का उपयोग किया गया है। लेकिन जो स्पाइसीनेस है वो इतने हाई लेवल की नहीं है कि कोई भी बड़े आराम से इसको खा सकता है। हमें चटनी दी गई है, उसका जायका भी बड़ा अलग ही है। इसके साथ सिड्डू के साथ चटनी का जो फ्लेवर निकल के आ रहा है वो सिड्डू को और भी ज़्यादा टेस्ट में आ रहा है। वैसे तो भूतनाथ गली है जो वो काफ़ी तंग है और भूतनाथ बाजार भी काफ़ी तंग है, और जो हमें ये दुकान मिली ये भी बड़ी मुश्किल से हमें मिली, और जब हमने ऐसे एंटर किया तो इसकी गली भी बहुत तंग है, इसकी एंट्री बहुत तंग है। लेकिन जैसे ही हम आगे आए तो यहाँ की भीड़ से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दुकान का जो सिड्डू कितना प्रसिद्ध है। तो जब भी आप बाबा भूतनाथ के दर्शन के लिए आए तो यहाँ से हार्डली 100-150 मीटर की दूरी पर ही ये दुकान आपको स्थित मिलेगी। बोर्ड काफ़ी छोटा है लेकिन अंदर का जो जायका है, जो इनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, वो बहुत ही शानदार है। जैसे अब दुकान की टाइमिंग है हमारी, वैसे तो 6:30 बजे में दुकान खुल जाती है। जो प्रोडक्शन चालू बनाने का काम जो है 6:30 बजे शुरू हो जाता है हमारा। जो पैकिंग चलती है वो 7:30 के बाद चल पड़ती है। जैसे पैकिंग, जैसे दुकान के अंदर खाना हो सिड्डू या मोमो तो 11:30 बजे के बाद हमारा टाइम है। 11:30 बजे के बाद जो हमारा काम शुरू होता है, बड़ी ज़्यादा हम 4 या 4:30 बजे हमारा जो है माल समाप्त हो जाता है। हम भूतनाथ बाजार में से गुजर रहे हैं और यहाँ मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि जितनी भी गलियाँ हैं, जितने भी गलियों में हलवाइयों की दुकान है, सब जगह पर आपको यहाँ पर एक कॉमन व्यंजन देखने को मिल रहा है, और वो है जो बड़ा सा दिखने वाली पूड़ी की तरह के अंदर। और हमने जब यहाँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसको यहाँ पर कचौरी कर रही है। अभी हम दुकान के अंदर पहुँच चुके हैं और रुके तो हम इस कचौरी के लिए थी, इतनी बड़ी कचौरी के लिए, लेकिन यहाँ पर दुकान के अंदर आके हमें एक और जायका देखने को मिला, वो है बड़ा और कड़ी का जायका। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम सिर्फ कचौरी के बारे में बात करें। कचौरी का साइज देखिए आप, हमारे उत्तर भारत में जो पूड़ी वगैरह मिलती है उससे डबल है इसका साइज। और कचौरी तो वैसे हमारे पंजाब में, चंडीगढ़, दिल्ली में छोटी मिलती है, हल्की मिलती है, लेकिन जहाँ पर ये कचौरी बड़ी तो है ही, इससे पूड़ी का भी डबल साइज है इसका। तो अभी इसको हम खोलते हैं, बहुत गर्म है अभी। फीलिंग देखिए इसकी आप, गर्म है, ये देखिए फीलिंग। ये थोड़ी गर्म है, ठीक ठाक अंदर भरी हुई है ये कचौरी, इतनी कचौरी में भी फीलिंग नहीं मिलती। अभी हम इसको खा के बताते हैं। उन्होंने मेरे को, यहाँ के मालिक हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि इसके आटे को जो कहते हैं बहुत ज़्यादा फर्मेंट किया जाता है, एक दो मैं तो नहीं खा रहा, और इसमें दाल की फिलिंग की गई है, जब उड़द और माँ की दाल की फिलिंग इसमें की गई है। और साथ में 1.5 साल मसाले डालेंगे जो जहाँ से निकले मसाले। तो इसको यहाँ पर अचार के साथ या दही के साथ सर्व किया जाता है। तो आइए पहले इसको खाएं, फिर आपको इसको जायका। बहुत ही सिंपल बेसिक जायका है, जो मसालों का फ्लेवर है, मैं ऐसा नहीं है कि ज़्यादा तीखे हैं, ये बंदा ना तो ज़्यादा उभरे हुए हैं मसाले, यहाँ के सभी टोकन ही है, लेकिन बड़ा ही सिंपल फ्लेवर है। और जिसमें आटे को फर्मेंट किया जाता है उसका एक अलग से जायका भी आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ एग्जैक्ट बबरू तो नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें जो दाल की फिलिंग की गई है उसने इस जायके को पूरी तरह से ही बदल दिया। एक बार मंडी में आगे जो जायका जरूर टेस्ट करना, क्योंकि आप मंडी की भूतनाथ बाजार की किसी भी गली में जाओ आपको हर हलवाई की दुकान पे वहाँ बीच लकड़ी बने बने जायका देखने को मिलता है। यहाँ का बड़ा और कड़ी का जायका बड़ा अलग सा जायका है। पंजाब में कड़ी चावल मशहूर है, साउथ में दही बड़ा या सांभर बड़ा मशहूर है। तो पंजाब के आप चावल निकाल दीजिए,
समोसा, उसका दही निकाल दीजिए, सांभर निकाल दीजिए और मंडी में आ रहा है वड़ा और कड़ी को मिक्स कर दीजिए तो बन जाएगा कड़ी और वड़ा का बेहद ही अद्भुत एक अलग सा जायका है। आपको टेस्ट करके भी बताते हैं, थोड़ा सा मैंने किया भी है, बड़ा फ्लेवरफुल जायका है। तो आप आके और बताते हैं क्योंकि बल्ला जो है काफ़ी सॉफ्ट बना हुआ है और कड़ी बड़ी सिंपल से मसाले इसमें डाले हुए हैं, कुछ ज़्यादा तेज तड़क भड़क नहीं किया हुआ है। तो दिल करता खाते जाओ, जैसे बोल रहा हूँ चटनी में कड़ी का जाकर कुछ उस तरह का है, बड़ा डालते जाओ। बड़ा जो यहाँ की प्रेपरेशन है वो एक किस्म दाल का बड़ा ही है। कड़ी खट्टी मीठी है और उससे मेरा दिल कर रहा है कि बात ना करूं, फिर इसको भी खाते हैं। तो आपकी दुकान 1952 की ये आपकी दूसरी पीढ़ी, उससे पहले फादर के दादा भी थे? दादा भी साथ बैठते थे। अच्छा ठीक है। तो अभी जो मेन आइटम्स है वो एक तो आपने जो अभी एक लाया सीजनल है ना, ये बड़ा और कड़ी का, कड़ी बोला जी ठीक है। और जब इसमें एक्चुअली मैं जो दुकान में रुका वो इसलिए रुका बेसिकली जो ये कड़ी डाली हुई है मिट्टी के बर्तन में डाली गई। हाँ जी, वो क्यों? एक उसमें अच्छा फ्लेवर मिट्टी का फ्लेवर भी है, लगती है पहले। अच्छा मिलते नहीं अभी बर्तन। ठीक है ठीक है। अच्छा, और जो कचौरी हमने जहाँ हर हलवाई की दुकान के बाहर देखी है, हाँ जी हाँ जी, तो जहाँ इसका मतलब जहाँ इसका अच्छा खासा इसको खाया जाता है। बिल्कुल ठीक, 20 रुपये में पेट फुल हो जाता है। 20 रुपये का एक पीस है। हाँ जी ठीक है। हाँ, लेबर क्लास के लिए भी अच्छी है, सस्ता है। हाँ जी, और पीस भी मैंने देखा काफ़ी बड़ा है, तो पूरी से भी बड़ा है, जो फिलिंग भी है वो भी, बल्कि उसमें कोई कंजूसी नहीं की गई। हमारे फोर फादर जो थे वो लाहौर से आए थे जी। पहले तो चलो छोटा मोटा काम था, फिर वो बढ़ता बढ़ता, ये कब से आपकी? ये 70 साल पुरानी है, 70 बच्चे का जलेबी हमारे फोर फादर ने मंडी में शुरू की थी, देसी घी की। तभी से देसी घी की चलती है? हाँ, देसी घी की चलती है, मैदा और बेसन देसी घी में बनती बात। अच्छा, कई जगह पर हम देखते हैं जलेबी दही के साथ मलाई में, वो कई जगह खाते जी, जैसे रबड़ी के साथ भी खाते हैं, दूध के साथ भी या दही के साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये ट्रेडिशन है, और मंडी में जो ज़्यादातर लोग दही के साथ खाते हैं, शिमला में जैसे दूध के साथ खाएंगे। अच्छा, शिमला में दूध के साथ, ठीक है ठीक है। वो ठंड की वजह से? नहीं, ठंड की वजह से ये बना हुआ है, ठंड तो यहाँ भी काफ़ी होती है पहाड़ों में, लेकिन मीठा खाने का स्वाद भी रखेगा क्योंकि पच भी जाता है। अभी हम आपको इस जलेबी का जायका लेकर बताएंगे और आपको इसके स्वाद के बारे में बताएंगे। अमृती भी है जी, वो जो पनीर वाली जलेबी, पनीर वाली जलेबी गर्म करके दे बेटा, अति उत्तम। इसकी क्रंचीनेस है वो इसके जायके में और भी बढ़ोतरी करती है, और देसी घी का जो स्वाद है जलेबी में बड़ा निखर के आ रहा है, उसको एनहांस कर रहा है उसके फ्लेवर। रस भरी वो मंडी में ही तकरीबन मिलती है। अच्छा, तो अभी जो हमारे सामने रस भरी आ चुकी है और
किससे बताया आपने ये बनती है? ये पूरी खोए और मैदे से। खोए जैसे जिसको मैंने हाथ लगाया तो ये ठंडी ऐसे ही होती है, ऐसे ही खाना होता है? नहीं, ठंडी खा सकते हैं आप इसको, कुछ नहीं। ठीक है, गर्म भी खा सकते हैं इसको, दोनों तरीके से। इसको फ्राइड किया उसको, मतलब फ्राइड रोटी होगी। हाँ हाँ, बहुत शौक है ये ना, जैसे हमारे थोड़ा थोड़ा हल्का में भी इसका गुलाब जामुन की तरह आ रहा है। गुलाब जामुन में खोया पूरा पड़ता है, उसमें पनीर साथ में पड़ता है गुलाब जामुन। अच्छा, इसमें सिर्फ पनीर नहीं पड़ता, इसमें खोया में। वेरी ऑनेस्ट, ये पनीर की जलेबी मेरे को जो देसी घी की जलेबी से है वो भी अपनी जगह स्वाद है, लेकिन इसमें जो शुगर कंटेंट है, जो चीनी की मात्रा बहुत कम है, और इसकी सॉफ्टनेस भी, वो जलेबी तो वैसे जो क्रंचीनेस होनी ही चाहिए, लेकिन इसकी सॉफ्टनेस भी बड़ी अच्छी है पनीर की जलेबी की, और इसमें जो शुगर कंटेंट है वो बहुत कम है। लाहौरियों की हड्डी को जो जायके, यहाँ पर तीन जायके जगह हैं, पनीर की जलेबी, देसी घी में बनी जलेबी, और जो सबसे मेरे को अलग जायका लगा जो सिर्फ मंडी ही शहर में मिलता है, रसबरी, जो मैदे और खोए से निर्मित होती है।